उज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए जो बड़े मेहरबान नेहत वाले हैं। एक दिन पहले यानी 2 दिन मैं आपको सही नक्शा थर्सडे का बता रहा हूँ, जुमेरात का, जो यहाँ पर बर्फ़ गिरी और न्यूयॉर्क पोस्ट ने बताया कि स्नो जोक। वो इस वजह से कि इस बार जो बर्फ़ गिरी है वो मौसम नहीं है, उस वक्त गिरी, जबकि फॉल्स है, अभी फॉल्स ख़त्म नहीं हुआ, और फॉल्स में पतझड़ से कई जो है शजर के पत्ते ज़मीन पे गिरे हुए झाड़ों के मिलते हैं और टूटे फूटे डाले मिलते हैं यहाँ पर सड़कों पर, जबकि उन लोगों ने जो है स्ट्रीट पर भी लगाया और उसको क्लीन भी कर रहे, मगर फॉल्स का वक्त ख़त्म नहीं हुआ। और इस बार गर्मा का मौसम भी सही गर्मा नहीं आया था, एक ही हफ्ता कुछ गर्मी पड़ी बस। तो गर्मा का वक्त सही नहीं था, गर्मी नहीं थी, फिर फॉल्स आया, फॉल्स में आपको जो है सर्दी विंटर जैसा महसूस होने लगा, बारिशें होने लगी और फिर ऐसी बर्फ़ गिरी जो दिन के वक्त अंधेरा रात जैसा तसव्वुर कर रहा था इंसान, उतना जो है मध्यम और बर्फ़ से भरा हुआ शहर जैसा आसमान दिखाई नहीं दे रहा था, और जो है सड़क के ऊपर बर्फ़ जमी हुई, ठीक से गाड़ियां नहीं चल रही थी, इंसान भाग नहीं सकता क्योंकि जॉगिंग बहुत करते हैं यहाँ सुबह शाम 24 घंटे। तो मौसम तीनों बदल गए और ये एक जोक की तरह साबित हुआ, स्नो जोक। मैं 2 दिन बाद इस वास्ते बना रहा हूँ कि मैं जो है कटिंग्स जो जिस तरह से दूसरे लोग रिएक्शन में बताते हैं मैं नहीं बताता, और मैं आपको यहाँ के मौसम बदलते हुए नहीं बल्कि आपको ये भी बता दूँ कि सऊदी में जो 10 शाम बोल के तूफान आया, जो वहाँ पर पूरा धुआं या पूरा छाया हुआ बादल या पूरा कोहरा जैसा, यानी एक मानो में तूफान बरपा था सऊदी अरब में, और तूफान बारिशों का मिडल ईस्ट में, और आपको मदीना मक्का और सारी जगह पर जो है उड़ता हुआ बताया गया। अफसोस है कि इंसान जागना नहीं चाहता, सूर्य जिलजाला, अल्लाह ताला बता रहे सूर्य जिलजाला में, इंसान कहेगा इसको हुआ क्या। आज दुनिया देखो, इंडिया के अंदर एशिया के कई कंट्रीज आए इकॉनमी की बात करने के लिए, और उनको ये नहीं मालूम कि 2018 में एशिया में इतनी बड़ी तबाही हुई, सम बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ, अंदाज़ा नहीं कर सकते आप। ये साली इंसान खुदा नहीं पढ़ा, ना मोदी पढ़ सकता ना एशिया के, क्योंकि वो भी वहाँ पर दूसरे मज़हब है, बुद्धिज़्म है, और फिर चाइना तो भूल जाओ, जापान को भूल जाओ बुद्धिज़्म या शिंटो रिलीजन से, तो वो लोग खुदा नहीं पढ़ते, हमारा मुसलमान भी नहीं जगा सकता किसी को। लेकिन खुदा ने एक नया तरीक़ा बता दिया दुनिया में। आजकल अमेरिका का एक गोरा आदमी, ज़ईफ़ आदमी, इस्लाम कबूल कर लिया, उसने वेबसाइट पर इंटरनेट के ज़रिए मालूम किया इस्लाम की हकीकत। तो हक तो अल्लाह ताला देने का तरीक़ा अभी तक रखा है, दावत के ज़रिए हो या आपके जो एक्शंस होते हैं, नमाज का पढ़ना या जो है दुकान के ऊपर आप अच्छे जो है बर्ताव से, आपके अखलाक से अट्रैक्ट करना, या दुकान के अंदर जो है कारोबार में ईमानदारी दिखाना, तो ये स्टिल अल्लाह ताला के तरफ खींचने वाली निशानियां हैं। जो इंसान मुसलमान हो जाता, वो अंग्रेज़ मुसलमान हुआ, उसने कहा कि मैंने वेबसाइट से जो है इस्लाम की हकीकत हकानियत को कबूल कर लिया, शहादा ले लिया, और मैं मुसलमान हूँ, मेरी बीवी अभी भी क्रिश्चियन है, मैंने उसको कहा कि तेरे चर्च को ले जाऊँगा, लेकर वापस आऊँगा घर को। अब मालूम यह हो रहा कि मैं जैसा भीख मांगता हूँ मेरे मुसलमान जागो, दूसरों को इस्लाम की तरफ बुला, अरे ये बहुत बड़ी नेकी है, तुम्हारे से इतनी बड़ी दौलत छीन ली जा रही। क्यों? क्योंकि दुनिया इतनी गंदी हो गई कि तुमको हकीकत ही नहीं मालूम कि मौसम पूरे बदल गए। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत दे रहा हूँ तुमको, और तुमको नहीं चाहिए।
नौजवान बच्चों को जैन मलिक चाहिए, जैक चाहिए, नौजवानों को वो यहाँ का जो जस्टिन बीबर है वो चाहिए, नौजवान बच्चों को जो है इंडिया की फिल्मों का शौक़ चाहिए, अब कौन सी फिल्म आ रही है उसका इंतज़ार करेंगे। आजकल तो ऐसी दीवानगी चल रही है, वो फिल्में एक एक्टर की कितने फ्लॉप हुई, कितने ब्लॉकबस्टर हुई, कितने जो है एवरेज गई, हिट गई, उसकी तारीख दे दे रहे, मगर अल्लाह ताला ये बता रहा है ये बारकोड से तुम्हारी पूरी तारीख में क़यामत के दिन लूँगा, तुमको वो नहीं चाहिए। तुमको एक एक्टर की पूरी ज़िंदगी की फिल्में चाहिए, वो हिट है या फ्लॉप, वो इंटरटेनमेंट है तुम्हारे लिए। और अगर से मैं बताऊं कि आरएसएस और बीजेपी जो है खान्स की दुश्मनी शुरू कर दी, रेस को जानबूझ के फ्लॉप किया गया, अगर ये फिल्म 50 साल पहले लगती तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रहती रेस, क्योंकि उसमें उतना एक्शन, उतना एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ किया था और बेहतरीन गाना था उसमें। सलमान की बेस्ट म्यूजिकल में हर फिल्म में एक गाना बेहतरीन होता है उसका, लेकिन उसको फ्लॉप बोल दिया, जबकि उन्हें 300 करोड़ बना दी। देखो जब फिल्म पैसे बनाई तो उसको फ्लॉप कैसा बोल। ये बीजेपी और आरएसएस की नई जो है हरकत है, जो खान्स को बदनाम कर देना, क्योंकि एक दफ़ा एक शो में हमारे रजत शर्मा के उसमें एक वो जो सोनू निगम है उसने कहा कि खुदाओं के नाम लिया हिंदुओं के, और आज के खुदाएं जैसा बॉलीवुड के 3 खान, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान बताया था, और मुंह सूख गया था, सांप लौट गया था नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, बर्दाश्त नहीं कर सका था। तो वही हिंदू अब ठग साफ हिंदुस्तान को फ्लॉप करे, जबकि मैंने पूरे ये 5 दिन तक का जो वहां पर के थिएटर से निकलने वालों का जो है नजरिया देखा, और वो नजरिए में बेहतरीन फिल्म है बोले लो, ये चाल चली जा रही। और तरण आदर्श एक दिन से पहले बोल दिया इसको 2 स्टार और ये फ्लॉप फिल्म है, और जो है KRK भी जो इसको फ्लॉप फिल्म बोल दिया, क्योंकि ये लोगों का मंशा बीजेपी और आरएसएस का लगाना है डरा धमका के, जो है इनको गिराना है। अब 0 की इंतज़ार करो, सलमान खान की भारत का इंतज़ार करो, आपको दूध का दूध पानी का पानी मालूम हो जाएगा, खानों को कितना जो है दुश्मनी का जो है सिलसिला शुरू कर दिया। मैं अब आपको एक और बात बता दूं, देखो कभी कोई शिया देखता है चांद के अंदर बोले हुसैन हसन रज़ा अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए, कोई मुसलमान देखता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है चांद में, कोई जो हिंदू देखता है शिवलिंगम नजर आ रहा, शिवा नजर आ रहा उसको, साई बाबा नजर आ रहा है उसमें, कोई क्रिश्चियन देखता है उसमें क्रॉस और ईसा अलैहि सलाम नजर आ रहा। अरे ऐसी जहालत कब तक चलेगी रे मेरे मुसलमान, तू जाग। अल्लाह अगर से चांद बनाया तो उसमें नामा नहीं लिखा, अल्लाह अगर से उसमें जो है नाम लिखना होता तो पहले लिख देता था। ये खाली इंसान मनगढ़ंत तरीके से सोचता है। दूसरा ये कि हिंदू बोलता वहां शिवलिंगम था, निशानियां देखो मक्का में, क्रिश्चियन बोलता वहां जो है मरियम अलैहि सलाम और जो है उनके हाथ में बच्चा है मक्के के अंदर, आप दीवारों पर देखो मक्के की। ऐसे क्लेम करने से ये जहालत का सबसे बड़ा वक्त है 21st सेंचुरी में, कि अगर से वहां तस्वीरें होती तो उसका खुदा जो तुम बोल रहे मरियम अलैहि सलाम का बेटा ईसा अलैहि सलाम खुदा या बेटा वो सामने आता, तस्वीर कहीं को दिखा रहे तुम। अगर से हिंदू बोला या शिवा था शिवलिंगम था तो वो तस्वीर क्यों सामने क्यों नहीं आ रहा शिवा। अरे जाहिलो, एक डिबेट में अहमद दीदार एक पास्टर को चैलेंज करे, पूरी बाइबल में बाद में हमारे इमरान वो हमारे इंडिया के सब जाके नए वो सब बोलते ये बाइबल में बताओ कि जीसस खुदा बोले क्या मेरे को अपने आप को, ये बाइबल में बताओ जीसस मेरी जो है इबादत करो ये बोले क्या। तो उस वक्त उन्होंने मात दे दी थी अहमद दीदार ने एक क्रिश्चियन प्रीस्ट को पास्टर को जो चिल्ला चिल्ला के कर रहा था जीसस गॉड, और इन्होंने कहा कि मेरे को बाइबल में बताओ, और बाइबल जिंदा रह के डिबेट किया अहमद दीदार और वो दुनिया से चल बसे, और 8-10 साल हो गया वो वीडियो वायरल अभी भी हो रहा। अब सोचो क्या ईसा अलैहि सलाम अंधे बहरे गूंगे हैं जो अहमद दीदार की बात नहीं सुन रहे। आ जाओ अल्लाह की तरफ, आ जाओ हक की तरफ,
आ जाओ जन्नत पाने की तरफ, बचो अपने आप को जहन्नुम से। ये क़यामत का 2018 से शुरू हो गया। मैं ये निशानी बताया, तूफान बर्फ का, आगे आगे नहीं मालूम कैसा वेदर है, यहां का ही नहीं, अगले साल तक अगर मैं जिंदा रहा तो और तबाही बताऊंगा दुनिया की, क्योंकि एक्सपायर हो गई इसकी डेट दुनिया की, और तुम जागना नहीं चाहते, तुम सोए हुए हो अंधे भरे गुंगों की तरह मुसलमान। मैं तुमको एक खास बात बताऊं, अल्लाह ने कुरान में कहा, देखो मैं हर बार एक नई बात से जगाना चाहता हूं मेरे वीडियो में मुसलमान को, शायद मेरे मुसलमान ये एक ही तरह की बात करते जो समझेंगे, तो उनको मेरे वीडियो चेक करें तो पता चलेगा, हर बार मैं एक नई बात दिया, अब मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ। अल्लाह कह रहा है कुरान में, मैं इस्लाम को पूरी दुनिया में पहुँचा दूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा निकले थे मक्के के अंदर, फिर वो मदीना हिजरत करे, जब तक पूरा जो है मिडल ईस्ट और जो है आपको फ्रांस और साउथ अफ्रीका, एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिर जो है चाइना और फिर रशिया तक इस्लाम दाखिल हो गया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात वक्त में। यहाँ पर हयात जाविदा हैं आप, रबी अव्वल है ये आपका महीना है, और जान अंदाज़ा करो अल्लाह पहुँचा देना चाह रहा था ये इस इस्लाम को, इस दीन को। अब आप सोचो अमेरिका के अंदर अगर से क्रिश्चियन इंग्लिश बोलता है तो उन्हें बोलेगा देर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह मोहम्मद द लास्ट मैसेंजर, ये सरमन यानी ये जो है टेस्टिमनी भी करेगा, ये ऐलान भी करेगा खुतबे की तरह, ये जो है शहादा लेगा और डिक्लेयर करेगा अल्लाह के सिवा कोई मान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी। अब कौन सुन रहा, हिंदू बोलेगा ब्राह्मण, हिंदू भेड़ बोलेगा चंबार, दलित बोलेगा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह, और उसकी जबान हिंदी होगी या गुजराती होगी या महाराष्ट्र की होगी, कोई भी जबान का हिंदू इंडिया के अंदर 50 जबानें जो सूबों की है उसमें अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कौन सुन रहा? एक मुल्क अमेरिका वहां पर मुसलमान हो रहा, कौन सुन रहा? एक मुल्क इंडिया मुसलमान हो रहा, कौन सुन रहा? एक जबान जो है इंडिया की हिंदी, मराठी, महाराष्ट्र, गुजराती, पंजाबी और ये मुसलमान हो रहे, कौन सुन रहा? इनके खुदा कहाँ हैं, इंडिया के या अमेरिका के? अगर से आप बोलेंगे काला और गोरा, काला भी मुसलमान हो रहा, गोरा भी मुसलमान हो रहा, इनके रंग का खुदा कौन है, कौन सुन रहा? अच्छा किताबों के हिसाब से, इनके पास बाइबल है, किताबों के हिसाब से गीता वेदास है, और ये किताबों को मात दे दिए लोग, बोले ये किताबें ये जो है नाकारा एक्सपायरी डेट की है, और ये इनको जो है मैं अब नहीं कबूल करता, अब मैं कुरान को कबूल करूंगा, तो ये किताबा देने वाले कौन सुन रहा, कौन देख रहा? अब आप बोलेंगे जी मैं जो है बच्चा था और मैं इस्लाम कबूल कर लिया, आप बोलेंगे मैं बूढ़ा था इस्लाम कबूल कर लिया, मैं औरत हूं मैं इस्लाम कबूल कर ली, मैं मरने से पहले भी इस्लाम को कबूल, हर वो उम्र का इंसान अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु खातिमुन नबी है, ये अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलमा पढ़ के दुनिया से हर वो उम्र का जा रहा, कौन सुन रहा, कौन देख रहा? और जाने के बाद में फिर उसका खुदा अगर से ये डिक्लेयर करके यहाँ गया तो वहाँ उन्हें जो है इनके जबान से इनके दिल से यही आवाज़ निकलेगी, क्योंकि जबान से उसने कहा दिल में उतर गया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वहाँ पर जो है फरिश्ते उससे पूछेंगे और उनका हिंदू खुदा है या क्रिश्चियन खुदा है या जो है सरदारों का खुदा है या जो है यहूदियों का खुदा है, तो सुन के कैसा खामोश बैठा अगर खबर में जाके मुसलमान, क्योंकि खबर में ही मुसलमान को दफनाते हैं, कौन सुन रहा? अच्छा वीडियोस वायरल हो रहे अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं अजान की, वीडियो वायरल हो रहे डिबेट्स की दुनिया के अंदर, वीडियो वायरल हो रहे आदमी एक मजहब से दूसरे मजहब में आ गया और जो है मस्जिदें आबाद है और मक्के को जा रहा पूरी दुनिया से, कौन देख रहा, कौन सुन रहा? आओ अल्लाह की तरफ, मैं बुला रहा हूँ, जागो, क़यामत का एक्सपायरी डेट शुरू हो गई, दुनिया को तबाह करना शुरू कर दिया अल्लाह ताला, ये हिंदू ये क्रिश्चियन को नहीं मालूम, कुरान खुद कह रहा है ये जो है काफिर ये मुशरिक, कहेंगे ये दुनिया को ये ज़मीन को क्या हुआ, ये ज़मीन अपना बोझ उठा के फेंक देगी, अल्लाह कह रहा है। और आखिरी के पूरे जो है 30 का जुज जो है देखो, 30 पारा से शुरू करो, और कोई भी किताब में तुमको ख़यामत नहीं देगी
ना तो हिंदुओं की ना क्रिश्चियनों की, क्योंकि इंसान लिख कर दिया। और आज मैं बता रहा हूँ, हिंदू या क्रिश्चियन अबू लहब की तरह अभी भी इनकार कर रहे हैं इस्लाम को, खास करके क्रिश्चियंस अभी भी इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं थे 2000 साल पहले से, सिर्फ पैगंबर थे। उस वक्त में किसी ने ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा नहीं कहा था। आज भी यहूदी मौजूद है, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं कहा। आज भी बुद्धिस्ट मौजूद है, हिंदू मौजूद है, ईसा को खुदा नहीं कहा, ईसा को जो भाई बेटा नहीं कहा, और ईसा जो होली स्पिरिट फादर कोई नहीं कहा। 2000 से शुरू करके ये इनका बम पिटारा चल रहा, और सिर्फ यूरोप के अंदर ये लोग जो है अपने क्रिश्चियनों को बुला लेके चर्चों में कॉन्फ्रेंस कर रहे, और इनको जो है भटकाने के लिए कह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे। और कुरान जो है इंसान हिफ्ज़ करता, कुरान के मिराकल्स है, कुरान के मौजूदे बच्चे दिखा रहे, कुरान के मिराकल्स जो है जानवर दिखा रहे, कुरान के मिराकल्स जो है पूरा माहौल दिखा रहा, आबो हवा दिखा रही, पूरे वेदर दिखा रहे, पूरे आसमान और ज़मीन के अंदर क्या हो रहा, चांद तारे सब सामने आ रहे, साइंस सामने आ रही, जो है टेक्नोलॉजी सामने आ रही, उसके बावजूद इंसान को भटकाने के लिए क्रिश्चियन अपनी जगह से नहीं हटेगा अबू लहब की तरह। जबकि अल्लाह ने जो है अबू लहब काफिर मरेगा बोला, और ये भी काफिर मरने के लिए जो है ईसा अलैहिस्सलाम एक इंसान है, माँ के पेट से निकले, गंदी जगह से निकले, और वो जो है दोबारा सामने नहीं आए, क़यामत तक अल्लाह नहीं भेजेगा बोला, और अल्लाह ने पैदा किया बोला। और ये सब कौन सुन रहा, कौन देख रहा है? तुम्हारे पास गार्ड गार्ड दो, तुम ऐसे झूठे खुदाओं को, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अजां गूंज रही दुनिया में, अल्लाहू अकबर।